नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ मुशर्रफ राणा। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त के बड़ी खबर के साथ। मेरठ के प्रतापपुर क्षेत्र के बुढ़बराल में करीब आधा दर्जन बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दे डाला। प्रतापपुर एरिया के बुढ़बराल गांव में प्लॉट की टोकन मनी को लेकर जा रहे प्रॉपर्टी डीलर इंद्रजीत चौधरी के पड़ोस के रहने वाले दो युवकों ने मारपीट कर 50,000 रुपए लूट लिए। बीच बचाव में जब प्रॉपर्टी डीलर इंद्रजीत की पत्नी रेखा आई तो उन्होंने उससे भी मारा पीटा और कुंडल भी छीन लिए। प्रॉपर्टी डीलर प्रतापपुर क्षेत्र थाने पहुंचा और वहां आप बीती बताई, जिसमें पुलिस ने उपचार के लिए प्रॉपर्टी डीलर को अस्पताल में भर्ती कराया है। क्या नाम है आपका और कहां के रहने वाले, क्या मामला हुआ आपके साथ? इंदर नाम मेरा, बोड़वाड़ का रहने वाला हूँ। मैं घर के पास जा रहा था, अचानक कुछ ही आदमियों ने मेरे पे हमला बोल दिया, 50,000 रुपए लूट लिए, तलवार वलवार लेकर आए और मुझे मारा पीटा। उसके बाद में फिर उन्होंने मेरी ये फिटनेस कर दी और जो है फिर अपने घर में बढ़ गए। नाम है श्री राम के लड़के दो, एक सचिन एक विपिन, और कई उनके साथ और थे। सर, ये जो थाना प्रतापपुर क्षेत्र के भूड़बराल में 50,000 रुपए की लूट हुई है, पूरा मामला क्या है? ये कल शाम को दो पक्षों के बीच आपसी मारपीट का प्रकरण है, भूड़बराल गांव थाना प्रतापपुर क्षेत्र में लगता है। इनमें जो घायल थे उनका मेडिकल करा करके आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है।